हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सलोनी अग्रवाल एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 1 दैट वाज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2 एंड इट इज़ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ओके, फर्स्ट चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया था कि हमारे जब नेशन की बारी आई तो क्या क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। ओके, तो इस वीडियो को देखने के पहले आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो एक बार देख लें। हम लोग आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, मतलब कि एक ऐसा एरा आया जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी को डोमिनेंस था और वो कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। यू नाउ हैव एन आइडिया ऑफ द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज इन विच इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज बॉर्न। यू हैव रेड अबाउट द सीरियस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट कन्फ्रंटेड द कंट्री राइट इन द बिगिनिंग। फेस्ड विद सच सीरियस चैलेंजेस, लीडर्स इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड दैट देयर कंट्री कुड नॉट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी। दे सेड दैट नेशनल यूनिटी वॉज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यहाँ पे क्या कहा है कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या कितना सीरियस था चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके, और ये सभी कंट्रीज़ को करना पड़ा था जब वो लोग किसी के शासन से, जो किसी के रूल से फ्री हुए, तो सभी लोगों ने ये चीज़ को फेस किया। ठीक है, तो अब इंडिया के अलावा या बहुत सारी कंट्रीज़ के अलावा जो कुछ कंट्रीज़ थी उसमें क्या हुआ कि जब एक डेमोक्रेसी की बात आई तो कुछ कंट्रीज़ ने क्या सोचा, लीडर्स ने क्या सोचा कि डेमोक्रेसी वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होगा, डेमोक्रेसी से डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। देयरफॉर मेनी ऑफ द कंट्रीज दैट गेन फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियलिज्म एक्सपीरियंस नॉन डेमोक्रेटिक रूल। इसीलिए क्या हुआ कि जो कंट्रीज़ यहाँ से कॉलोनियल रूल से फ्री हुई थी, मतलब कि ब्रिटिशर्स से, मतलब किसी का भी कॉलोनी थी, कॉलोनियलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्रिटिशर्स की कॉलोनी में थे या कुछ भी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई दूसरी कंट्री या कोई दूसरा इंसान आपके ऊपर रूल कर रहा था और आप उसकी कॉलोनी थे। ठीक है, तो जब कोई भी कंट्री उससे फ्री हुई तब क्या हुआ कि सभी ने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को एक्सपीरियंस किया। इट टुक वेरियस फॉर्म्स, नॉमिनल डेमोक्रेसी बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल। नॉमिनल डेमोक्रेसी क्या होती है, नॉमिनल डेमोक्रेसी जैसे हमारी जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो कौन सी है, आइडियल डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सभी के ओपिनियंस मैटर करते हैं, इलेक्शंस को सिर्फ दिखावे के लिए होल्ड नहीं करते हैं, एक्चुअली इसमें पार्टी कॉम्पीट करती है और लीडर लीडर होता है, मतलब जो जीतता है वो लीडर होता है। ओके, अब जो नॉमिनल डेमोक्रेसीज होती हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे क्या हैं। तो नॉमिनल डेमोक्रेसी क्या होती है, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं बट ठीक है एक ही पार्टी में इलेक्शन हो रहा है और एक ही पार्टी जीत रही है, तो उसको हम इफेक्टिव डेमोक्रेसी मतलब आइडियल डेमोक्रेसी तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है बट आइडियल नहीं है। ओके, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, वही इलेक्शन कर रही है, वही जीतेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे बट क्या कहा है कि बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, नॉमिनल डेमोक्रेसी है वहाँ पे लेकिन क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल है वहाँ पे एक लीडर के थ्रू। अब सेकंड कौन सा होता है, वन पार्टी रूल मतलब एक पार्टी का रूल है, डायरेक्ट आर्मी रूल आर्मी का रूल है। नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स ऑलवेज स्टार्टेड विद द प्रॉमिस ऑफ रेस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून बट वंस दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज देम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स होती हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, ठीक है आर्मी रूल हो, नॉमिनल डेमोक्रेसी हो या कुछ भी हो, वो लोग क्या स्टार्ट तो किससे करते हैं, प्रॉमिस देके करते हैं कि हम लोग जैसी सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है वैसे हम लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को ले आएंगे। बट होता क्या है, जब भी वो एक बार ही, मतलब ऐसा होता है ना कि किसी के हाथ में एक बार पावर आ जाती है तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता है, तो एक्जैक्टली इन लोगों के साथ में भी यही होता है कि पहले तो वो प्रॉमिस कर देते हैं कि एक बार ही अगर कंडीशन नॉर्मल हो गई तो हम लोग डेमोक्रेसी को वापस से रिस्टोर कर लेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, द कंडीशंस इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ, एनी अदर पाथ वुड हैव बीन सरप्राइजिंग फॉर अवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे क्या कहा है कि जो इंडिया का जो पाथ था ना, जो इंडिया की कंडीशन थी वो कुछ ज़्यादा अलग नहीं थी जो बाकी देशों में हुआ वहाँ से, लेकिन जो हमारे लीडर्स थे, जो इंडिया के लीडर्स थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिफिकल्ट पाथ को चूज़ किया। अब करते भी क्यों नहीं, देखो अगर नहीं करते तो फिर वो तो जितना भी हमने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो सब कुछ वेन में चली जाती, फालतू जाती। ठीक है, बट हमारे लीडर्स ने ऐसा नहीं किया, ठीक है उन्होंने कुछ और रूल ले के आए, उन लोगों ने डिफिकल्ट पाथ को ही चूज़ किया। ओके, अवर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी, दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम, दे सॉ इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। उन लोगों ने पॉलिटिक्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा, आपने ऊपर देखा था ना कि उन्होंने क्या कहा था कि इससे कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस आएंगे, बट हमारे यहाँ पे क्या कहा कि पॉलिटिक्स प्रॉब्लम नहीं है, ये सोल्यूशन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोल्यूशन है। एवरी सोसाइटी दैट नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इटसेल्फ, देयर आर ऑलवेज डिफरेंट पॉलिसी अल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस, हाउ डू वी रिजॉल्व दीज डिफरेंसेस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या क्या था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी लाए थे। While competition and power are the two most viable, visible things about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. This is the route our leaders decided to take. Last year आप लोगों ने पढ़ा कि हमारा constitution कैसे draft हुआ था और क्या क्या हुआ था वो आपको पता ही होगा। ठीक है, कितना time लगा था। अब यहाँ पे इसमें बता रखा है कुछ कि अडॉप्ट किया था November 26, 1949 को, signed on 24 January 1950 and came into effect on 26 January 1950।
एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बींग रूल्ड बाई एन इंट्रीम गवर्नमेंट. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इंट्रीम गवर्नमेंट क्या होती है, उसको क्यों बनाया गया था. ठीक है, इट वॉज नाउ नेसेसरी. एक बार फिर बता देती हूँ इंट्रीम गवर्नमेंट क्यों बनाई थी. इंट्रीम गवर्नमेंट क्या थी, जब हमारी डेमोक्रेसी की हमारी फ्रीडम के पहले जो हमारे को एक मान लो एक बॉडी थी, ठीक है, गवर्नमेंट की एक बॉडी थी जिसको मेनली उसका मेन मोटिव क्या था कि हमारे को फ्रीडम चाहिए, है ना. तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट को बनाया गया था उस टाइम पे, अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि उस जो गवर्नमेंट थी उसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया था. ठीक है, वो बनाई गई थी. जैसे आज हम लोग क्या होता है कि हम लोग वोट देने जाते हैं और इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे. ठीक है, ये गवर्नमेंट सिर्फ बनी थी. तो इसीलिए क्या हुआ कि जैसे ही हमारे को फ्रीडम मिली तो इस गवर्नमेंट का काम खत्म हो गया. तो उसके बाद में क्या हुआ कि इट वॉज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. अब यहाँ पे क्या बोला कि डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेट डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू पुट इन द प्लेस. इनिशियली इट वॉज थॉट दैट दिस वॉज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1950. बिना देखे आप सब बता सकते हैं कि पहले हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन. द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर एक्सपेक्टेड टू बी सम टाइम इन 1950 इटसेल्फ. अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने ये सोच लिया कि इंट्रीम गवर्नमेंट का काम खत्म हो गया है, हम लोगों को क्या चाहिए, अब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए. उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश किया. कब, जनवरी 1950. फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन बने, हमारे सुकुमार सेन. और हम लोगों ने क्या सोचा कि ये कुछ मंथ्स का कुछ टाइम की बात है, फटाफट से सब कुछ हो जाएगा. और जो हमारे इलेक्शन है वो भी कब एक्सपेक्ट किएगा, 1950 के अंदर ही. मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया था उसी साल में ये सोचा गया कि हमारे इलेक्शंस हो जाएंगे. बट द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज. होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर डेलिमिटेशन और ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ एन इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि ईजी नहीं होएगा इतनी बड़ी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना. अब उसके लिए क्या करना था, हमको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी थी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, जब हम एक स्टेट को एक प्लेस को अलग अलग एरिया वाइज बांट देते हैं, ठीक है, नंबर लोगों के नंबर वाइज बांट देते हैं और वहाँ पे हम लोग इलेक्शन करवाते हैं. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है कि हम पूरी कंट्री जो है हमारी, मान लो इंडिया कंट्री है हमारी, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. अब लोकसभा के इलेक्शन के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है हमारा पूरा इंडिया, 543. ठीक है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है. और उसके जो मेंबर्स इलेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं. ऐसे ही राज्यसभा के लिए होता है और ऐसे जो विलेज होते हैं, जो गांव होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वार्ड्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मतलब कि जो बाउंड्रीज थी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, उनको ड्रॉ करना जरूरी था. इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रूल्स. इलेक्टोरल रूल्स क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल सिटीजन्स टू वोट. मतलब कि एक लिस्ट होती है जिसके अंदर उन सभी लोगों का नाम होता है जो कि एलिजिबल होते हैं वोट करने के लिए. बोथ दीज टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम. वेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रूल वॉज पब्लिश्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द नेम्स ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन दैट लिस्ट. दे वर सिंपली लिस्टेड एज वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ. द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज. अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता है हमारे पहले इंडिया में क्या था कि जो महिलाएं थी वो अपना नाम नहीं लेती थी, ठीक है, अपने पति का नाम नहीं लेती थी, तो अपना नाम बताना वहाँ पे अलाउड नहीं था. तो उन्होंने क्या करा दिया, वाइफ ऑफ दिस, डॉटर ऑफ दिस. तो ये सारी चीज़ें जो हुई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या करा, नियरली 40 लाख वुमेन, मतलब कि 40 लाख वुमेन के तो वहाँ पे नेम रजिस्टर नहीं हुए थे. तो अब इस चीज़ को क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया. ठीक है, और रिफ्यूज़ करने के बाद में क्या कहा, ऑर्डर्ड अ रिविजन इफ पॉसिबल एंड डिलीशन इफ नेसेसरी. या तो उसको रिवाइज करो, वापस से उसको सही करो और डिलीट करो अगर नेसेसरी है तो. प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अ मैमोथ एक्सरसाइज. अ मैमोथ एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, बहुत एक लॉन्ग एक्सरसाइज थी. ठीक है, no election on this scale had ever been conducted in the whole world before. At that time there were 17 crore eligible voters. Can you guess, ek country mein 17 crore eligible voters the. ab unko kya karna tha, 3200 MLAs ko elect karna tha and 489 members of Lok Sabha ko elect karna tha. only 15% of these eligible voters were literate. ab 17 crore mein se sirf 15% hi literate the. theek hai, to देख सकते हैं आप लोग कितना कॉम्प्लेक्स था और कितना डिफिकल्ट था. देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग. द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन. इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ कंट्री एंड द इलेक्टोरेट दैट मेड दिस इलेक्शन अनयूजुअल. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री. सिर्फ हमारी जो कंट्री का साइज था उसी ने हमारे इलेक्शन को अनयूजुअल नहीं बनाया था. किस चीज़ ने बनाया था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन क्या था, फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी था. हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी का भी एक टेस्ट था. जो कंट्री क्या है, पुअर और लिटरेट कंट्री है. टिल देन डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्टेड ओनली इन द प्रॉस्परस कंट्रीज, मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, वेयर मेनली एवरीवन वर वाज इलिटरेट. तो यहाँ पे क्या कहा है कि हमारी कंट्री में इलेक्शन करवाना सिर्फ हमारी कंट्री का साइज ही नहीं था प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी. ठीक है, और क्या था,
कि जो डेमोक्रेसी थी उस टाइम तक वो मेनली कहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस कंट्रीज थी लाइक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, सिर्फ यहीं पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। बट दैट टाइम मेनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वाले जो चैप्टर था उसमें बताई थी कि हमारे इंडिया में जब वोटिंग राइट दिए गए थे तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर दिए गए थे। अब यहाँ पे देख लो यूरोप के अंदर क्या किया था, उस टाइम तक भी जो औरतें थी उनको वोटिंग राइट्स नहीं था, ठीक है। तो हमारे इंडिया में क्या था, सभी को वोटिंग राइट था। ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे हमारे इंडियन लीडर्स बैठे हुए हैं और ये लोग बंग नीचे खड़े हैं। अ कार्टूनिस्ट इंप्रेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन कमेटी फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस टू चूज पार्टी कैंडिडेट्स। ये सारे पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, तो हमारे ये जो इलेक्शन कमेटी है इसको चूज करना है कि ठीक है कौन से पार्टी के जो है वो कैंडिडेट्स को लेना है नहीं देना, मतलब टिकट देते हैं ना वो वाली चीज़ है। ये अभी हम पढ़ेंगे चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग, पहले यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। अपीयर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की एंड इंडियन एडिटर्स सेड दैट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। अब एक इंडियन एडिटर ने इसको क्या कहा था, बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, सबसे बड़ा जुआ काता हिस्ट्री में। ऑर्गेनाइजर अ मैगजीन रोट दैट जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। एक ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन है उसमें क्या कहा था कि जवाहरलाल नेहरू रहे इस कन्फेस करने के लिए इसके फेलियर को, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेलियर को कन्फेस करने के लिए वो रहे। अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन काउंसिल सिविल सर्विस क्लेम दैट अ फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेंड एज विल व्यू द एस्टॉनिशमेंट द एब्सर्ड फास ऑफ रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल। अब यहाँ पे क्या कहा है कि एक इंडियन सिविल सर्विस के ब्रिटिश मेंबर ने क्या कहा है कि जो हमारे आगे आने वाली जो पढ़ी लिखी जो क्या बोलते हैं आप, हमारे पढ़े लिखे जो लोग होंगे आगे आने वाले वो हंसेंगे इस चीज़ को देख के, ठीक है, इतने सारे इलिटरेट लोगों के वोटिंग को देख के। द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन्ड ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू 52। हमारे इलेक्शन को क्या किया गया, दो बार पोस्टपोन किया गया और फाइनली हुए अक्टूबर 1951 से 52 के अंदर। और हमारा इलेक्शन कमीशन जो था वो कब बना था, 1950 के अंदर। तो अब देख लो दो बार पोस्टपोन हुए, कब हुए फाइनली, अक्टूबर 1951 के अंदर। बट द इलेक्शन वॉज रेफर्ड टू एज 1952 इलेक्शन सिंस मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंट्री वोटेड इन जनवरी 1952। लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हमारे इंडिया का फर्स्ट जो इलेक्शन था वो 1951 में हुआ था। हम क्या कहते हैं, हमारे कंट्री का जो फर्स्ट इलेक्शन था वो कब हुआ था, 1952 के अंदर। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा जो इंडिया की जनता थी उन्होंने कब वोटिंग दी थी, जनवरी 1952 के अंदर। इट टुक सिक्स मंथ्स फॉर द कैंपेनिंग पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी कंप्लीटेड। इलेक्शंस वर कॉम्पिटेटिव, देयर वर ऑन एवरेज मोर देन फोर कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट। मतलब कि एक सीट के लिए वहाँ पे कितने, मोर देन फोर कैंडिडेट्स थे। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज एनकरेजिंग, मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। मतलब हाफ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे एक्चुअली में वोट डाले थे आके। व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड दीज वर एक्सेप्टेड एज फेयर इवन बाय द लूजर्स। अब जब रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया तो मान लो मैं हार गई तो मैं ये नहीं कहूँगी कि चीटिंग के थ्रू हारी हूँ मैं, ये तो जीता है वो चीटिंग के थ्रू जीता है, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया। मतलब कि हमारे इलिटरेट थी कंट्री, लेकिन जो लूजर्स थे उस टाइम पे उन लोगों ने भी इसको फ्री एंड फेयर, मतलब कि एकदम एक्सेप्ट किया गया कि यार ये रिजल्ट जो है वो फेयर है। द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग। अब इंडियन एक्सपेरिमेंट ने जितने भी क्रिटिक्स थे जिन्होंने जो कुछ कहा था उन सबको क्या किया, रॉन्ग प्रूव किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पोल्स हैव कंफाउंडेड ऑल दोज स्पेक्टिक्स हु थॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज टू रिस्क एन एक्सपेरिमेंट इन दिस कंट्री। द हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम दैट देयर इज यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स एडमायरेबली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इंप्रेस्ड। मतलब सब लोग इंप्रेस हो गए थे, जितने भी क्रिटिक्स थे वो सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया था हम लोगों ने। इंडियाज जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकेम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेचुरल सी बात है यार, इतनी बड़ी कंट्री के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर कर दिया, सभी को मौका दिया, सभी लोग वहाँ पर वोट करने भी आए, नियरली सभी लोग वोट करने के लिए भी आए। और ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़े हुए, सभी लोगों ने उसको एज अ फेयर रिजल्ट एक्सेप्ट किया, तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड ने हम लोग की तारीफ की। इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कुड नॉट बी हेल्ड इन कंडीशन ऑफ पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन। इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा खत्म कि हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ कैसे था। अब चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग एक बार ये पढ़ लेते हैं। इसमें से ज़्यादा कुछ देखो क्वेश्चन आता नहीं है, बट जो भी बॉक्सेस है ना उनको छोड़ो मत, उन सबको कवर करो, ठीक है, आप लोगों की नॉलेज के लिए भी अच्छा है और थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट भी आएगा अगर आप पढ़ोगे तो। अब चेंजिंग मेथड जो वोटिंग में क्या कहा है कि हम लोग आज कैसे वोट करते हैं, आप लोगों में से तो शायद अभी तक तो कोई गया नहीं होगा क्योंकि हम सभी 12th क्लास में हैं, तो ऑब्वियसली शायद कोई होगा 18 से प्लस जो गया होगा। बट अभी हम लोग वोटिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, EVM जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपली एक मशीन होती है जिसके आगे कैंडिडेट्स का जो सिंबल होता है वो बना होता है, आपको सिंपली उसका बटन दबा के आना होता है वहाँ पर, आपका वोट जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब इससे क्या होता है, लेबर बचता है, टाइम बचता है, ठीक है, वोटिंग ईजी हो जाती है और जो चीटिंग के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। बट जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1951 के अंदर, तब तो ये सब कुछ नहीं था ना, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो तब कैसे होती थी। But that is not how we started. Obviously, in the first general election, it was decided to place inside each polling booth a box for each candidate with the election symbol of the candidate. अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये है पोलिंग बूथ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बॉक्स रखते थे, जैसे ये मान लो एक बॉक्स रखा, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है,
तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक बॉक्स रखा जिसके ऊपर ये बना हुआ है, एक बॉक्स रखा जिसके ऊपर कमल बना हुआ है, एक पे हाथ, एक पे हाथी, तो ऐसा अलग अलग बॉक्स रख दिए। ठीक है, अब क्या करना होता था, विद द इलेक्शन सिंबल ऑफ दैट कैंडिडेट ईच वोटर वॉज गिवन अ ब्लैंक बैलेट पेपर विच दे हैड टू ड्रॉप इन टू द बॉक्स ऑफ द कैंडिडेट दे वॉन्टेड टू वोट फॉर। अब मान लो कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, कमल के ऊपर, तो मुझे क्या देते थे, एक पेपर देते थे खाली, जिसके अंदर मुझे क्या करना होता था, मुझे क्या करना होता था कि उस खाली पेपर को इस बॉक्स के अंदर डालना होता था। ठीक है, तो अब फिर बाद में क्या किया जाता था, इस बॉक्स को खोला जाता था और उसमें काउंटिंग की जाती थी कि कितने वोट्स हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार फिर समझा देती हूँ। पोलिंग बूथ होता था, उसके अंदर क्या होता था, ऐसे बॉक्सेस पड़े हुए होते थे और उसके ऊपर कैंडिडेट्स के सिंबल बने हुए होते थे। ठीक है, अब सिंबल और ये बॉक्स, अब मेरे को एक पेपर देंगे, वो मेरे को उठाना है और मेरे को जिस भी कैंडिडेट के बॉक्स में डालना है उसके अंदर मैंने डाल दिया, बाद में उसको खोल के उसकी काउंटिंग की जाती थी। ये था हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन का। दे वॉन्टेड टू वोट फॉर अबाउट 20 लाख स्टील बॉक्स वर यूज फॉर दिस पर्पज, 20 लाख स्टील बॉक्स बनाए गए थे। अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर फ्रॉम पंजाब डिस्क्राइब्ड हाउ दी प्रिपेयर्ड द बैलेट बॉक्सेज, ईच बॉक्स हैड इट्स कैंडिडेट सिंबल बोथ इन साइड एंड आउटसाइड इट। ओके, कैंडिडेट का सिंबल क्या होता था, अंदर भी होता था और बाहर भी होता था, एंड आउटसाइड ऑन ईदर साइड हैड टू बी डिस्प्लेड द नेम ऑफ द कैंडिडेट इन उर्दू। अब उस कैंडिडेट का नाम लिखा जाता था उर्दू, हिंदी, पंजाबी, अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, द पोलिंग स्टेशन एंड द पोलिंग बूथ, इतना सब कुछ उसके ऊपर लिखना होता था। ठीक है, द पेपर सील विद न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैंडिडेट साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैड टू बी इंसर्टेड इन टू द टोकन फ्रेम एंड इट्स विंडो क्लोज बाय इट्स डोर विच हैड टू बी फिक्स्ड इन इट्स प्लेस एट द अदर एंड बाय द मीन्स ऑफ अ वायर। All this had to be done on the day previous to one fixed for polling. To fix symbols and labels, the boxes had first to be rubbed with sandpaper or a piece of brick. I found that it took about 5 hours for 6 persons, including my 2 daughters, to complete the work. All this was done at my house. अब यहाँ पे बस कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट से समझाया गया कि पंजाब में एक ऑफिसर थे, उन्होंने कैसे समझाया कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया था। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट टू इलेक्शन दिस मेथड वॉज चेंज, 2 इलेक्शन के बाद में ये मेथड चेंज हुआ। नाउ द बैलेट पेपर कैरीड द नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट एंड द वोटर वॉज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टैम्प ऑन द नेम ऑफ द कैंडिडेट दे वॉन्टेड टू वोट फॉर। यहाँ पे क्या बोला, 2 इलेक्शन के बाद में मेथड चेंज किया गया। अब बैलेट पेपर के ऊपर क्या होता था, नाम भी होता था और सिंबल भी होता था। पहले क्या होता था, जो बैलेट पेपर होता था वो कागज़, सिर्फ एक कागज़ होता था, खाली कागज़, और उसको आपको उस बॉक्स में डालना पड़ता था। अभी क्या हुआ कि उस पेपर के ऊपर उसका नाम भी है और उसका सिंबल भी है। द वोटर वॉज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टैम्प ऑन द नेम ऑफ द कैंडिडेट दे वॉन्टेड टू वोट फॉर। अब उनको क्या करना था, उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाना होता था। दिस मेथड वर्क फॉर नियरली 40 ईयर्स। Towards the end of 1990s, the election commission started using EVM. By 2004, the entire country has shifted to EVM. बस यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा, और सेकंड वाले में क्या था कि उस बैलेट पेपर के ऊपर नाम होता था और सिंबल होता था कैंडिडेट का, उसके ऊपर आपको एक स्टैंप लगाना होता था और उस बॉक्स में डालना होता था। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया कि नियरली 40 ईयर्स लेटर, जब हमारा 1990s का एंड आया, 2004 तक क्या हुआ था कि सारी कंट्री ने EVM पर शिफ्ट हो चुकी थी। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। आई होप दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर।